हम जो है ना वो नीलम वैली से जो है आ रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। मुजफ्फराबाद में तकरीबन पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है ना वो दोस्तों ने कहा कि जो है ना वो चाय वगैरह पीते हैं, तो चाय देखते हैं कैसी बनाते हैं, चाय पी के टेस्ट करके बताते हैं आपको। जी इधर न्यू कोयटा कराची कैफे है, वहाँ पे मैं मौजूद हूँ। तो बाकी इनकी मेकिंग वगैरह देखते हैं। ये जी भाई ने अंडा पराठा बना लिया है तकरीबन। जो है ना आप जब भी कभी विजिट करें मुजफ्फराबाद तो यहाँ पे लाजमी आइएगा। तो भाई ने जो है ना अंडे वाला जो है ना वो पराठा बना लिया है। ये आपके भाई के हाथ में जो है ना वो कब है, ये ग्रीन टी है, ये ग्रीन टी है। अभी वो प्रोसेस दिखाते हैं आपको चाय का, भाई से कोशिश करते हैं बात भी हो जाए। वैसे तो वो काम करते हैं, काम में मशगूल होते हैं। ये मतलब ये जो है ना वो कावा भी साथ साथ चल रहा है। तो हम जो के पंजाब से आए हैं तो हम जो है ना वो शौक से चाय पीते हैं। तो चाय हमारी जो है ना वो तैयार हो रही है, ये भाइया तैयार कर रहे हैं हमारी चाय। ये कोयटा कराची कैफे है, यहाँ पे माशाल्लाह जी ये चीजें भी मौजूद हैं। तो आप ना बात करवाते हैं भाई से, जब कभी आप यहाँ पे है ना तो विजिट लाजमी कीजिएगा यहाँ पे। अगर तो आपने लंच करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट करना है या डिनर करना है, आपको हर तरह की जो है चीजें अवेलेबल है यहाँ पे हो जाएंगी। भाई से बात करते हैं, पूछते हैं क्या क्या इनके पास है। अच्छा भाई सबसे पहले तो अपना नाम बताए आप। अहसानुल्लाह भाई। अच्छा तो आपके पास क्या क्या मौजूद है जरा बताइएगा। हमारे पास नाश्ता होता है अंडा पराठा, पिज्जा पराठा, चिकन पराठा, आलू पराठा। उसके बाद चाय होती है कोयटा वाली चाय, कोयटा वाली चाय कश्मीर में। अच्छा उसके बाद पुलाव होता है, और खाने के लिए भी आइटम होते हैं ना, चने मुर्गी है, दाल मूंग है, दाल चावल है, पुलाव है स्पेशल, 24 घंटे सर्विस है। अगर कोई टूरिस्ट आता है यहाँ पे तो उसको हर तरह की चीज मिलेगी, हर चीज हर सहूलत मिलेगी, हर तरह की चीज मिल जाएगी जी बिल्कुल। तो आप क्या पी रहे हैं? मैं ग्रीन टी है, हमारे कोयटा का चाय। तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? हम पश्चिम से, कोयटा जिला पश्चिम से जी। जी वर्ष चाय जो है ना हमारी आई थिंक होगी, वो भाई जो है ना चाय बना रहे हैं हमारे लिए, स्पेशल चाय जो है ना वो बना रहे हैं हमारे लिए। तो भाई जो है ना खुद है वो कोयटा से हैं, तो बाकी चाय का इंशाल्लाह टेस्ट बताते हैं कैसा है। ये जो है ना अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो चाय, ये जी ये प्यालियाँ लग रही है हमारे लिए, स्पेशल प्यालियाँ लग रही। भाई जो है ना वो खान साहब से रिक्वेस्ट किया सिर्फ ग्रीन टी के लिए, वो टेस्ट करने लगा मैं, इन्होंने मेहरबानी फरमाई है। अच्छा ये ग्रीन टी है, अच्छा ये स्पेशल कोयटा के लोग पीते हैं। आप भी कोयटा के हैं? जी मैं भी कोयटा। अच्छा भाई भी जो है ना वो कोयटा के हैं। अच्छा व्यूअर्स देख सकते हैं पराठे वगैरह भी दो ये ना दोस्त बनाते हैं। कोयटा कराची कैफे के नाम से ये जो है ना अपना है कैफे। तो मैं जो है ना अपना ये जो थोड़ा सा कावा है वो पी रहा हूँ। अभी वैसे ये जहाँ पे यहाँ पे पराठे बन रहे हैं, ये जो सेटअप है सिटिंग प्लेस है, सेपरेट फैमिली हॉल भी इनके पास है। ये जो हमारे जो है ना वो कप लग चुके हैं, तो पंजाब में इसको प्यालियाँ बोलते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या कहते हैं, पूछते हैं भाई से। अच्छा भाई इसको ना आप क्या बोलते हैं? इस प्यालियाँ ही हैं। हाँ जी ये भाई भी ना अपना प्यालियाँ बोलते हैं, ये भी अपना प्यालियाँ ही बोलते हैं। तो प्यालियों में जो है ना वो चाय जा रही है, हमारे लिए तैयार हो गई है। कलर तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, ये देखें। बाकी इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं फिर रिव्यू देंगे। ये इधर जो है ना वो पराठे तैयार हो रहे हैं, तैयार ऑलमोस्ट हो चुके हैं। अच्छा ये किसके बनते हैं, मैदे के या गंदम के आटे के? ये मैदे के पराठे हैं जी। लच्छा पराठा? हाँ जी लच्छा पराठा जी, बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब में भी जो है ना से बात करो पूरे हाँ। कराची में गुजार है मैं कभी कर। ये जो है ना चाय जो है ना अभी सर्व की जा रही है, सर्व की जा रही है चाय।
तो इंशाल्लाह टेस्ट करते हैं फिर रिव्यू देंगे आपको। ये जी चाय जो है ना वो सर्व हो रही है, तमाम दोस्तों को जो है ना वो दी जा चुकी है। अभी जो है ना वो सारे दोस्त नोश्त फरमाएंगे और देखेंगे कैसे जो है ना रिव्यू लेते हैं कैसे। ये जी सौदर भाई पा रहे हैं जी। हाँ कैसी, ठीक है जी? ठीक है चाय। मगरब की जो है ना वो अजान हो गई है, अभी जो इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हैं। ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर तो आप दोस्तों को पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बरवक्त और आसानी से पहुँच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।